खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां राजस्थान सरकार के विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष रामगोपाल सुथार चक राजासार पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों ने अध्यक्ष रामगोपाल सुथार का चांदी के मुकुट और राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर रामगोपाल सुथार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे कामगारों, दस्तकारों और कारीगरों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारक की रिपोर्ट। श्री विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार इस क्षेत्र में आना हुआ। दाऊसर में एक सामाजिक कार्यक्रम में मैं भागीदारी की और अभी छानी में एक अपने भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है, उसमें मेरा जाना होगा। श्री विश्वकर्मा कौशल बोर्ड जो हुनरमंद लोग हैं उनको आगे लाने के लिए इस बोर्ड का गठन पूर्ववर्ती सरकार ने किया था और मेरा पहला अध्यक्षीय कार्यकाल शुरू हुआ है और मैं इस बोर्ड के माध्यम से जो बेरोजगार जो मेरे भाई हैं, कारीगर बंधु हैं, उनको आगे लाने का, उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और पीएम विश्वकर्मा योजना जो केंद्र सरकार से चल रही है उस योजना को राजस्थान के गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचाने का काम करेंगे।